एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर चला हुआ था, उसके अंदर एक टॉपिक आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। हम दो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, एक तो प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो वहां पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ज्यादातर ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ एक और टॉपिक आता है, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मीनिंग, की होती क्या है ये। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मीनिंग है, दिस इज अ टोटल कॉस्ट टेक्निक अंडर विच टोटल कॉस्ट इज चार्ज्ड एज अ प्रोडक्शन कॉस्ट। ये क्या है, एक टोटल कॉस्ट टेक्निक है जिसके अंदर जो हम प्रोडक्शन की कॉस्ट लेते हैं ना, वो टोटल कॉस्ट को लेंगे। टोटल कॉस्ट को कैसे लेंगे, टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है हमारी, फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं उसके अंदर हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते थे, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या करेंगे, हम टोटल कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। टोटल मींस फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट किसे लिया जाता है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट को लिया जाता है, दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करके, फिक्स और वेरिएबल को। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर एब्जॉर्ब्ड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस। जो भी हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसकी कॉस्ट को निकालने के लिए जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो सारी उसके अंदर एब्जॉर्ब कर दी जाती है, मतलब मिक्स कर दी जाती है, तब जाके हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट निकल कर आती है। इसलिए इसे बोला गया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की सारी कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कैसे चार्ज की जाती है, टोटल कॉस्ट के बेसिस पर, फिक्स और वेरिएबल के बेसिस पर। अब इसके बाद आते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को और क्या बोला जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फुल कॉस्टिंग टेक्निक भी, टोटल कॉस्टिंग टेक्निक भी, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक, तो हम इसका मतलब पढ़ ही रहे हैं। तो इसको तीन नामों से बुलाया जाता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक, फुल कॉस्टिंग टेक्निक और टोटल कॉस्टिंग टेक्निक। तीनों का सेम मीनिंग है, तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में। हो सकता है फुल कॉस्टिंग टेक्निक लिखा जाए तो उसका भी मीनिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। वैसे ज्यादातर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही लिखा हुआ आता है, लेकिन ये इसके जो अदर नेम्स हैं ये भी पता होने चाहिए, और ये भी क्लियर हो जाते हैं ऐसे ही, नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि एब्जॉर्व कर लेना, जो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एब्जॉर्व कर रहा है। तो इसके अंदर सारी कॉस्ट आ गई, तो मतलब कि फुल कॉस्ट, टोटल कॉस्टिंग टेक्निक, यही इसके अदर नेम्स हैं। अब इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग हमने पहले वाली वीडियो में क्लियर कर लिया था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मीनिंग अब क्लियर हो गया। अब दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पढ़ना है। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट में ही आता है, डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में। सबसे मेन डिफरेंस क्या पढ़ा हमने, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हम दोनों कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, फिक्स और वेरिएबल को, और मार्जिनल में क्या पढ़ा था, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही लिया जाएगा। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस तो इसका यही हो गया, अ टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग प्रोडक्ट कॉस्ट दैट कंसीडर बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों ली जाती हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्ट की कॉस्ट एज्यूम किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। सेकेंड है, अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर दोनों ही कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रीट किया जाता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्शन की कॉस्ट लेंगे। तो यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट होगी मार्जिनल कॉस्टिंग में, वो उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, फिक्स कॉस्ट को यहाँ पर पीरियड कॉस्ट ट्रीट किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। सेकेंड डिफरेंस हो गया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, हर एक यूनिट की जो कॉस्ट होती है, हम पर यूनिट जो कॉस्ट निकालते हैं वो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट होती है। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, एक एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो हमारी कॉस्ट आई है, जो हमारे प्रॉफिट्स के अंदर, हमारी कॉस्ट के अंदर जो चेंजेस आए हैं, उनको हम मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट का मतलब क्या हुआ, जितनी हम पहले प्रोड्यूस कर रहे थे ना, उसके बाद अगर हम एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट वाली प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कॉस्ट आती है, जो उसे मार्जिनल कॉस्ट बोला जाता है। जैसे कि पहले हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब अगर हम 101 प्रोड्यूस करें तो नेक्स्ट यूनिट यहाँ पर क्या हो गई, 100 में 1 प्लस किया तभी 101 बना ना, तो वो लास्ट वाली जो 1 यूनिट है उसी की जो कॉस्ट होगी, वो उसकी वजह से जो चेंजेस आएंगे उसी को मार्जिनल कॉस्टिंग बोला गया है।
जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो हमारी मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में इतना ज्यादा हेल्प नहीं करती, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग सबसे ज्यादा हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में। इसलिए हम जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी ये बुक है, इसका जो हम मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है? डिसीजंस आर बेस्ड ऑन प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो डिसीजंस हैं वो प्रॉफिट पर बेस्ड होते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। यहाँ पर हमने अभी 5 मेन डिफरेंस पढ़े, 5 मेन पॉइंट पढ़े जो डिफ्रेंशिएट करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर।